मध्य प्रदेश के इन विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमलनाथ का तिलस्म तोड़ना चाहती है। बीजेपी छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बनाना चाहती है। ये बात कार्यकर्ता सम्मेलन में परासिया पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कही। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अब कमलनाथ का किला धीरे धीरे ध्वस्त होता जा रहा है। विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ के पास बाहुबल, धनबल और जनता को मोहने का मोहिनी मंत्र है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका किला टूट रहा है। विजयवर्गीय ने दावा किया कि अगर कमलनाथ के खिलाफ पार्टी उन्हें चुनाव लड़ने को कहेगी तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि इस बार छिंदवाड़ा को जीतने की कोशिश में बीजेपी काफ़ी पहले से लगी हुई है। बीजेपी ने छिंदवाड़ा में एक बड़ा कॉल सेंटर खोला है, जिसके जरिए बूथ स्तर और पन्ना प्रभारी जैसे कार्यकर्ता पार्टी के बड़े नेताओं के संपर्क में भी लगातार रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बना देंगे इस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर जिस प्रकार जनता की सेवा की है और विशेषकर गरीब कल्याण के क्षेत्र में केंद्र की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, मध्य प्रदेश की सरकार में शिवराज जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनी हैं, उन योजनाओं को गरीब के पास पहुंचाकर उसकी गरीबी दूर करने का हम काम कर रहे हैं। और इसलिए अब छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के नाम से पहचाना जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। कमलनाथ लगातार धार्मिक आयोजन कर रहे हैं, अभी धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया, फिर प्रदीप मिश्रा का आयोजन है, तो इसको कैसा देखती है भाजपा? नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमें तो अच्छा लगता है कि पहले हम ही लोग करते थे, राम लल्हा आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और हम ही लोग करते थे।